दोस्तों नमस्कार। जिंदगी एक्सप्लोर करने का नाम है। मैं इस समय सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में बैठा हूँ, एक लकड़ी की बनी हुई देवदार की किचन में। हम लोग शहर में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, इटली का पास्ता, कहीं ब्रिटेन का केक, कहीं कुछ बाहर की चीज़ें। उनकी मजबूरी है, वो पास्ता खाना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास कुछ फ्रेश है नहीं। अब मैं जो आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ उसे कहते हैं पचोला। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि किस चीज़ का बना है और इसके अंदर कितनी पावर है। ये जो मक्खी लगती है और ताज़ा होती है, अभी देख कुकर की आवाज़ भी आ रही है, अपने सामान बन रहा है, अगले डिनर की तैयारी हो रही है। और जो मक्खी होती है जिसमें जूस होता है, अभी पकी नहीं है पूरी तरह से, कच्ची मक्खी, उसको मिक्सी के अंदर ग्राइंड करके उसको फिर स्टीम करके उसको बनाते हैं। वो साल में कुछ दिन के लिए जब मक्खी उस स्थिति में होती है, उस मक्खी को ग्राइंड करके मिक्सी में और उसको फिर स्टीम से तैयार करते हैं, और वो मीठा भी बनता है और नमकीन भी बनता है। इट्स अमेजिंग, डिलीशियस, पावरफुल। इसको आप दूध से खा सकते हैं, सब्जी से खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। इट्स अमेजिंग फूड। हम इंडिया में इतना सारा मिस कर रहे हैं और बाहर ढूंढते हैं, तो एक बार देखिए किस देश में, किस प्रांत में, किस पॉसिबिलिटी के साथ हम आराम से बिना ज़्यादा खर्च किए हुए आगे बढ़ सकते हैं। I will keep coming.